हेलो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट अरविंद कुमार। स्वागत है एक बार फिर अरविंद फार्मेसी यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे कास्कोफिन बीआर सिरप के बारे में, जानेंगे इसके बारे में और जानेंगे इसको कब और किस परेशानी में इस्तेमाल करते हैं, और ये भी जानेंगे इसको कैसे लेना होता है और इसको लेने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक, वीडियो को अंत तक देखिए। खांसी एक ऐसा समस्या है जो कि आम तौर पे एलर्जी वाला, धूल धकड़ वाला, और जैसे ठंड का मौसम हो या बदलते मौसम के चलते खांसी हो जाता है, जैसे कि आप परेशान रहते हैं। यह खांसी ज़्यादा गंभीर बीमारी नहीं है, लेकिन 10 से 15 दिन लगातार रह जाए तो यह गंभीर रूप से अपना असर दिखाती है शरीर पे। और खांसी जो कि नॉर्मल आप दुकान पे जाके मेडिकल स्टोर पे ऐसे ही ले लेते हैं, तो उसमें जल्दी से सूट नहीं होता है और जल्दी ठीक नहीं होता है, और बाद में काफ़ी लंबा दिक्कत हो जाता है। तो उसके लिए ये सिरप है जो कि ब्रांडेड है, इथिकल है और काफ़ी बेस्ट सिरप है। खांसी जो कि 3 तरह का होता है, एक सूखी खांसी, एक गीला खांसी और एक हाँफने वाला खांसी। तो हाँफने वाला खांसी जो कि दमा टाइप जैसे होता है और ज़्यादातर दमा वाले लोग को होता है, और सूखी खांसी जो कि डस्ट से, एलर्जी से, इन्फेक्शन से भी हो सकता है, और बलगम वाला भी खांसी, यह आपको मौसम बदलते से और धूल धकड़, एलर्जी इससे भी हो सकता है। तो एक जो कास्कोफिन बीआर सिरप है, यह सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी दोनों में असरदार है और ये फ़ायदा करता है दोनों में। आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो ये कास्कोफिन बीआर के नाम से आता है और ये आपका बायोलॉजिकल ई लिमिटेड कंपनी का दवा आता है, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में बीई बोलते हैं। ये 100 ml का बोतल है और 100 ml का बोतल आपको 85 रुपये में मिल जाएगा किसी मेडिकल स्टोर पे आसानी से, क्योंकि आपकी हर जगह ये दवा मिल जाएगा, अच्छे कंपनी का है, हर जगह अवेलेबल रहता है। बात करें तो ये आपको जो कि कंपोजिशन है इसमें एम्ब्रोक्सर हाइड्रोक्लोराइड 15 mg है, और गावाफेंसिन 50 mg है, और फेनाइलफेरिन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg है, और क्लोरफेनारमीन मेल्टेट 2 mg है। इस तरह का मिलकर बना हुआ है। एम्ब्रोक्सल जो कि आपका म्यूकोलाइट है, बलगम को पतला करने काम करता है, जिससे कि आसानी से बाहर निकल जाए। और फेनाइलफेरिन एंटी कोल्ड है, जो कि ये आपको सर्दी, जुखाम, नाक बहना, आँख से पानी आना, इस तरह के समस्या में फ़ायदा करता है। बात करें तो ये एडल्ट व्यक्ति के लिए होता है, जो व्यक्ति 15 साल से ऊपर है उसको दिन में 2 टाइम खाना खाने के बाद चलता है, और ज़्यादा पसंद रहता है तो 3 टाइम भी चलता है। लेकिन ये आपको खाने के बाद पानी पी लेना है और उसके बाद दवा पीना है, और इसके बाद पानी नहीं पिया जाता है। खांसी का सिरप पीने के बाद पानी नहीं पिया जाता है। इस तरह इसको लेना होता है, जो कि डॉक्टर इसको काफ़ी प्रिस्क्राइब करते हैं। अब जान लेते हैं इसका लेने से किसी किसी में क्या साइड इफेक्ट दिखता है। तो ये नॉर्मल कब्ज और मुंह सूखना और नोजिया, वोमिटिंग, और स्किन पे एलर्जी और घबराहट जैसे समस्या किसी किसी में दिखाई देता है। और सावधानी क्या बरतना चाहिए इसको लेने से पहले, तो इसे लेने से पहले एक बार डॉक्टर से राय लेकर तब लें, और कोई लेडी प्रेग्नेंट है या फीडिंग करा रही है तो उसको देने से पहले डॉक्टर से राय ले लें। और कोई व्यक्ति को लंबे समय से खांसी है, ज़्यादा दिन हो गया है, तो उसको देने से पहले एक बार डॉक्टर से राय ले लें और चेक करा लें, तब दें। ये सब सावधानियाँ हैं, और ये रहा पूरा जानकारी कास्कोफिन बीआर सिरप के बारे में। जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह से आपको मेडिसिन के बारे में रेगुलर जानकारी मिलता है इस चैनल पर। धन्यवाद।